स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच टू यू एक्सरसाइज 2.2 ऑफ मैथमेटिक्स. क्वेश्चंस 5. टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3. ओके, इफ दे डिफर बाय 18, व्हाट आर द नंबर्स. तो लेट टू नंबर्स बी. Let ratio is not given. Ratio of two number of two number is equals to 5:3. Okay. Let first number be. Let first number be 5x. आप जानते हैं कि जब ये रेशियो दिया हुआ है 5:3 का दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें एक फिक्स नंबर से क्या होगा, मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है ना. क्योंकि रेशियो बनता कब है, जब आप डिवाइड करते हैं. तो उस ओरिजिनल नंबर को फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा कि x से मल्टीप्लाई करना होगा. थोड़ा मेरा आज कल ख़राब है इसलिए आपको आवाज़ ऐसी मिल रही है, ठीक, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा. तो लेट फर्स्ट नंबर भी 5x एंड लेट सेकेंड नंबर भी 3x. ओके, इट विल बी 3x. और ये दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफर बाई 18. दे डिफर बाई 18. तो इसमें से ग्रेटर वाले से लेस वाले को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो ग्रेटर वाला क्या नंबर है हमारा 5x और लेस कितना है 3x. ओके, देयरफॉर 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 18. ओके, 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 18. इसको हम सॉल्व करेंगे 2x इक्वल्स टू 18. x is to what is 18 by room, that is the 9. Okay, first number is equals to 5x, or x ki value aapko kya mili hai, x is equals to 9. Okay, 5 into 9 by 45. And second number is equals to 3x. 3 into 9 कितना हो जाएगा 46. ओके, तो इस तरह से जो है हमारा दो नंबर ही हमारे 45 and 27 हो गए. ओके, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन 6 फॉर होमवर्क एंड इज गिवन. दिस इज फॉर होमवर्क एंड टू कंसेक्यूटिव नंबर. अगर लेट x फर्स्ट नंबर भी x है तो अनदर नंबर इज व्हाट, x प्लस 1 कंसेक्यूटिव इज लगातार. ओके, तो सेकंड नंबर आपका अगर x प्लस 1 हो जाएगा. ओके, और उन दोनों को ऐड करने की बात कर रहा है, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इंटीजर्स अप टू 51. तो ये x और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 51 हो करके और इसको सॉल्व कर लेंगे. ओके, तो नाउ क्वेश्चन 7. Students, next question 7 is given that the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. Okay, the find the multiples. So let's assume that, okay, let 3 consecutive multiples be 3 consecutive multiples pulse of 8 is equal to x. एक तो पहला x होगा, अगर हमें मान लेंगे कि 8 का मल्टीपल है तो नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, x प्लस 8 हो जाएगा और अगला जो होगा x प्लस 16 हो जाएगा. इस तरह से 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ x हो जाएगा, ठीक है. अगर सपोज दैट 8 रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा. तो
तो इस तरह से ये एट का मल्टीपल नंबर हुआ। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव इन तीनों का सम, ठीक है, दैट मीन्स एक्स प्लस एक्स प्लस एट प्लस एक्स प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू एट टी एट। ओके, एट हंड्रेड ओके। तो अब इन तीनों को जो है ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज अ थ्री एक्स, ये सोलह आठ चौबीस ट्वेंटी फोर एट एट एट, थ्री एक्स प्लस टू एट 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 माइनस ट्वेंटी फोर। ओके, एट फोर हो जाएगा और एट सिक्स एट सिक्सटी फोर, थ्री एक्स इक्वल्स टू एट सिक्सटी फोर, देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू एट सिक्सटी फोर बाई थ्री। ओके, थ्री टू जो सिक्स, ओके, थ्री एट जो ट्वेंटी फोर, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, तो थ्री नंबर थ्री भी क्या होगा, थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज थ्री कॉन्सिक्यूटिव कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू एट। तो आपका एक्स क्लियर हो क्या, आई है टू एट्टी एट ना, थ्री टू एट्टी एट और उसमें एट ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, टू एक्स प्लस एट एक्स प्लस एट हो जाएगा टू एट्टी एट प्लस एट टू नाइन्टी सिक्स और दिस इज एक्स प्लस सिक्सटीन, टू एट्टी एट प्लस सिक्सटीन कितना हो जाएगा आठ छः चौदह। ओके, एट सिक्स फोर्टी टू फोर एट और वन एट और वन नाइन, नाइन और वन टेन, टेन और टू थ्री हंड्रेड फोर। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है आपका ये थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो गए। ओके, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एट, थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they added up to 74. Find these numbers. Okay, first you take the 3 consecutive integers, take it in as increasing order, so you get 3 increasing, like 3 consecutive integer being क्या होगा x x plus one x plus two। okay, let three consecutive integers be x x plus one and x plus two। okay, and they are multiplied by two, so the first is multiplied by 2x and second is multiplied by 3x plus 1 and third multiplied by 4x plus 2 added up to 74। okay, और इस 74 तक हमने क्या किया, add किया। okay, तो ये हो गया 2x 2x plus 3x plus 3, okay, 4x प्लस फोर बचा एट प्लस टू सेवेंटी फोर। ओके, टू एक्स थ्री एक्स फाइव एक्स फाइव प्लस फोर और इस नाइन एक्स थ्री आप अलेवन। ओके, दैट इज सेवेंटी फोर। ओके, नाइन एक्स इज इक्वल्स टू सेवेंटी फोर माइनस अलेवन, देन इट इज सिक्सटी थ्री एक्स x equals to what is 63 by 9, तब मल्टीप्लाइड है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नाइन से जा 63, x is equals to 7, तो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर भी कॉन्सिक्यूटिव
equals to x, x is equals to 7, x plus 1, that is 7 plus 1, that is equals to 8. Okay, is equals to 8, Rana. Okay, and next, x plus 2, that is 7, plus 2, that is 9. Okay, this is your answer. Okay, this is your. Now, I think every student you understood it. Now, solve next questions. Next question. Question 9 for homework. Okay. 9 for a homework. Question 9. You solve self and it is a homework. Okay. Now, next questions. Now, student. Question 9, I solve it, and next question, question 10 for homework, okay. Questions 9 को देख लीजिए, ये थोड़ा सा different था, इसने मैंने इसको homework के बजाय self-solve कर दिया, okay. Now the age of Rahul and Harun are in the ratio 5:7, 4 years later, the sum of their age will be 56. Okay, 56 years. What are their present age? Okay, now let present age of Rahul and Harun will be solution. Again, let present age of Rahul and Harun. Will be equals to 5:7. Will be 5x and 7x. Okay, 5x and 7x. मैंने पिछले टर्म पे भी बताया था कि कोई भी अगर रेशियो है तो उसका अगर हम जो है सेपरेट करना चाहते हैं तो उसमें x से मल्टीप्लाइड कर देंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि रेशियो जो बनता है वो डिवीजन करने के बाद बनता है, ठीक है. तो नाउ 5x एंड 7x एंड 4 ईयर लेटर दैट मीन्स बाद में, ठीक, चार साल बाद एज ऑफ राहुल क्या होगा, 5x प्लस कितना, 4 ईयर लेटर 5x प्लस 4. ओके, एज ऑफ हरुण का भी एज जो है प्रॉफिट बढ़ेगा, दैट इज 7x प्लस 4. ओके, 7x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है. तो अब क्या कह रहा है कि सम ऑफ 4 ईयर्स लेटर, तो सम ऑफ देयर एज आफ्टर 4 ईयर, ठीक है, दैट मीन्स 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56. ओके, तो इफ 7 और 5 क्या हो जाएगा, 12x, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 56. तो ये 12x प्लस 2 क्या हो जाएगा, इनटू द बेस देंगे, नाउ इट इज 56 माइनस 8, दैट इज 48. ओके, x इज 12x इक्वल्स टू 48, तो x इक्वल्स टू 48 बाय 12, x इज इक्वल्स टू 4. ओके, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, प्रेजेंट एज of Rahul is equals to 5x, that means 5 into 4, that is 20 years. Okay, and present age of Harun, present age of Harun is equals to 7x, that is 7 into. Okay, now this is your answer.
okay, and student question 10, into 9, okay, the question 10, for homework, okay, it is for homework, okay, it is for homework, okay, now, thank you for today.